हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बास्केटबॉल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पिछले साल पूछे गए सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम में जितने भी बास्केटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। तो इसका पार्ट वन मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये पार्ट टू है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं। थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज डिटेल में बताया गया है और चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड दोस्तों, आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए और प्लेलिस्ट में जाइए और सभी टॉपिक को एक एक करके आप अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने की थी। तो ये क्वेश्चंस बार बार आता है, इसलिए आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो बास्केटबॉल खेल की शुरुआत जेम्स नेस्मिथ ने किया था और ये अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 में। ठीक है, यहाँ पे तो पूछ दिया किसने किया था, कब किया था पूछेगा, तो 1891 में कहाँ पे, तो अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स नेस्मिथ ने ही किया था। तो देख रहे हैं आप, ये पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये UPTGT 2010 में पूछा है। फिर वही क्वेश्चन 2013 में पूछ दिया है, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है, तो जेम्स नेस्मिथ हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। तो वह कौन सा जर्मन खेल है जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है दोस्तों, तो वह है कार्फ बॉल। कौन है? कार्फ बॉल जो है वह आधुनिक बास्केटबॉल पर आधारित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे मध्य में मध्यांतर यानी हाफ टाइम कितना होता है। तो दोस्तों, बास्केटबॉल खेल जो है वह 40 मिनट का होता है, 10-10 मिनट के चार क्वार्टर। ठीक है, 10, 2, 10, फिर 15 मिनट का मध्यांतर, फिर आपका 10, 2, 10, ऐसे होगा। ठीक है, पहले या दूसरे क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा एंड तीसरे या चौथे क्वार्टर के बीच में 15 मिनट का मध्यांतर, यानी कि दूसरे या तीसरे मध्य के कितना है, 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट का मध्यांतर आपका हाफ टाइम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल खेल का समय होता है कितना होता है दोस्तों, 40 मिनट, यानी कि 10-10 मिनट के चार क्वार्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल में पहले 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है। तो पहले 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर कितना विश्राम का समय होता है, 2 मिनट। कितना होता है? 2 मिनट। नेक्स्ट है दोस्तों कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो कौन सा इसमें ट्रॉफी है दोस्तों, इसमें है आपके एस एम अर्जुन राजा ट्रॉफी। इसमें ध्यानचंद ट्रॉफी आपका हॉकी से हो जाएगा। एंड अन्य महत्वपूर्ण ट्रॉफी है जैसे कि फीफा एशिया कप, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, सर्विसेज कप, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी, फेडरेशन कप, बंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, यूरोपियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप एंड अमेरिकन बास्केटबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ट्रॉफियों के नाम और उनसे संबंधित खेल का सही मेल करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो आता है उसको सबसे पहले आप मिलाएंगे, जो आपको आ रहा है उसको आप सबसे पहले मिलाएंगे। तो जो आ रहा है उसको मिलाइए, उसके बाद अपने आप राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले लेडी रतन टाटा ट्रॉफी आप सबको आ रहा है, हॉकी से रिलेटेड है, बी कप 1 हो जाएगा। ठीक है,
बी का टू हो जाएगा, बी का टू हो जाएगा एंड बीसी राय ट्रॉफी जो है फुटबॉल से है, कुछ बिहार ट्रॉफी आपका क्रिकेट से है, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से है, तो एकदम सेम सेम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री एंड डी का फोर। नेक्स्ट है दोस्तों बास्केटबॉल बॉल का भार कितना होता है, तो बास्केटबॉल बॉल का भार 600 से 650 ग्राम होता है, तो 567 से 650 ग्राम आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल गेंद का अधिकतम भार कितना होता है, कितना होता है अधिकतम 650 ग्राम, ठीक है। एंड नेक्स्ट है वही क्वेश्चन, एक बास्केटबॉल बॉल का भार कितना होता है, 600 से 650 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है दोस्तों, तो बास्केटबॉल कोर्ट जो है 28×15 यानी 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा मैदान होता है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल के मैदान का परिमाप क्या है, तो 28×15 कितना है, 28×15। नेक्स्ट है बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, खेलते कितने हैं एक टीम में 5, ठीक है, यानी कि 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 खेलते हैं, 7 खिलाड़ी स्थानापन्न होते हैं, यानी कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कितने होते हैं दोस्तों, तो 7 होते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं, 5 खेलते हैं, यानी कुल एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और खेलने वाले 5। नेक्स्ट है बास्केटबॉल कोर्ट को चिन्हित करने वाली लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर होती है, कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। आपको ध्यान में रखना है कि सबसे चौड़ा लाइन होता है, लेंथ होता है आपका फुटबॉल का कितना होता है 5 इंच यानी 12.5 सेंटीमीटर एंड उसके बाद होता है हॉकी का 3 इंच यानी कि 7 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका सभी का लगभग 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन बैडमिंटन का 4 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के संबंध में निम्न में से क्या सही है, तो आपको इसे बताना है क्या सही है, तो यहाँ पे आपको ध्यान पूर्वक मिलाना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है 28 मीटर यानी कि 28 आपका सही है, तो एक ऑप्शन आपका सही है, सी में आपका वन ऑप्शन ही नहीं है तो सी आपका कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बास्केटबॉल रिंग का, बास्केटबॉल रिंग की व्यास कितना होता है, तो बास्केटबॉल रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 45 सेंटीमीटर, तो इंच में दिया है तो इंच में कितना होगा 18 इंच के लगभग होगा, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक। फिर इसके कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 28 मीटर होती है, ये गलत हो गया, ठीक है। बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है, तो 18 इंच यानी कि 45 सेंटीमीटर, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी 1 और 4 किसमें दिया है, तो 1 और 4 आपका बी में भी दिया है और डी में भी दिया है। अब आपको खोजना है, 4 ए में दिया नहीं है तो ए भी कट गया, ठीक है, सी में भी नहीं दिया ए भी कट गया, बी और डी बचा, तो आकार की परिधि माप 6 बास्केटबॉल 72 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 4 और 5, कौन राइट हो जाएगा 1, 4 और 5 राइट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है, तो जंप बॉल से होती है, किससे होती है दोस्तों, बास्केटबॉल मैच की शुरुआत किससे होती है, जंप बॉल से होती है, तो यहां भी कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है, सभी ऑप्शन आपके गलत है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो बॉल उछाल कर, ठीक है, यानी कि जंप, बॉल बॉल को जंप करा के, तो बॉल उछाल कर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बास्केटबॉल जो है खेल का प्रारंभ दो विरोधियों के बीच केंद्रीय वृत्त में गेंद को उछाल कर आरंभ किया जाता है। केंद्रीय वृत्त में गेंद को उछालने को जंप कहा जाता है, जंप बॉल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहा जाता है? तो जंप बॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय पहुंचाना होता है? तो 24 सेकंड के अंदर। आपके कोर्ट में यदि बॉल है, आपके कोर्ट में यदि बॉल है 24 सेकंड नहीं दोस्तों सॉरी, यहाँ पे होगा 8 सेकंड के अंदर, ठीक है, 24 सेकंड के अंदर तो आपको बास्केट करना होता है, ठीक है। तो बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना होता है? तो यदि मान लीजिए आपके टीम की तरफ बॉल है तो आपको अपोजिट टीम में 8 सेकंड के अंदर पहुंचा देना है। 8 सेकंड के अंदर आपके टीम में नहीं होना चाहिए बॉल, दूसरी बॉल अपोजिट टीम में होना चाहिए। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है? तो दोस्तों बास्केटबॉल में एक और एक का नियम, टीम का सातवां फाउल पूरा होने पर एक और एक का नियम लागू होता है। बास्केटबॉल में टीम का सातवां फाउल होने पर एक और एक का नियम लागू होता है। जब किसी टीम के खिलाड़ियों से अर्धपारी में 7 व्यक्तिगत अथवा तकनीकी फाउल हो जाए तो उसके पश्चात इस प्रकार की सभी त्रुटियों पर एक और एक का नियम लागू होता है। इस एक और एक नियम के अंतर्गत किसी भी खिलाड़ी द्वारा फाउल होने पर जिस विपक्षी खिलाड़ी के विरुद्ध फाउल किया गया हो उसे फ्री थ्रो दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? तो बास्केटबॉल रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों, बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है? न्यूट्रल जोन कहाँ पे होता है? न्यूट्रल जोन जो होता है बास्केट के नीचे होता है ग्राउंड में, ठीक है। तो जैसे कि चित्र में दिख रहा है तो 40 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, ठीक है। यानी कि बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अनुसार 18x15 यहाँ पे इसकी ग्राउंड का मेजरमेंट होता है। टीम में 5 खिलाड़ी खेलने वाले और स्थानापन 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शिफ्टिंग का संबंध किससे है? तो शिफ्टिंग का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। अन्य शब्दावलियां दोस्तों हैं यहाँ पे गार्ड पॉइंट, एंड लाइन, सेंटर लाइन, ड्रिबल, डबल फाउल, फ्रंट कोर्ट, फ्री थ्रो, पर्सनल कॉन्टेक्ट, जंप बॉल, प्लेइंग टाइम, रिंग, ऑन बास्केट, आउट ऑफ बाउंड्स, इंटरमिशन, वायलेशन, कैरियिंग, शिफ्टिंग जोन, कंटिन्यूटी पास, डेड बॉल। डेड बॉल शब्द आपका क्रिकेट से भी रिलेटेड है। बास्केट, हैंगिंग, बैकबोर्ड, हेल्ड बॉल, लीड पास, हुक पास, पिवट, टिप ऑफ, 24 सेकेंड रूल्स, 8 सेकेंड रूल्स, सब्स्टिट्यूट, लाइव बॉल, फ्री थ्रो लाइन, की होल। तो कई बार पूछा है की होल किससे संबंधित है, पीवेट किससे संबंधित है, डेड बॉल किससे रिलेटेड है, फ्री थ्रो किससे रिलेटेड है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों हम बता रहे हैं कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि बास्केटबॉल बोर्ड की ऊंचाई जमीन से 2.90 मीटर ऊंचा है और बास्केटबॉल जो रिंग होती है उसकी ऊंचाई जमीन से 3.005, ठीक है, 3.5 मीटर ऊंचा है। तो बोर्ड है 2.90 मीटर ऊंचा कोर्ट से एंड रिंग जो है वह 3.50 मीटर ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सेट शॉट होता है। तो सेट शॉट जो है वो बास्केटबॉल में होता है।
सेट साठ शब्द बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। यह एक ऐसा शॉट होता है जो बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छी संतुलन अवस्था से लगाया जाता है। सेट साठ बास्केट से एक निश्चित दूरी से स्थिर अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों से बॉल को बास्केट में डालकर अंक अर्जित करने हेतु लगाया गया शॉट है। बास्केटबॉल से संबंधित कुछ अन्य संक्षिप्त व्याख्या है नियमों की, जैसे कि रिबाउंड किसे कहते हैं बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल रिबाउंड जो होता है, इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉल बैकबोर्ड या बास्केट से टकराकर वापस आती है, तो उसको कहते हैं रिबाउंड। और थ्रो इन किसे कहते हैं, तो बॉल कोर्ट से बाहर जाने के बाद फिर से खेलने के लिए थ्रो इन का प्रयोग किया जाता है। बाहर चला जाता है ग्राउंड में, तो फिर से उसको ग्राउंड में लाने को ही कहते हैं थ्रो इन। एंड ड्रिबलिंग शब्द किससे संबंधित है, तो ड्रिबलिंग है जिस शब्द का अर्थ बाल को आगे लेकर बढ़ना होता है। एंड मल्टीपल फाउल जो है, जब दो या दो से अधिक खिलाड़ी एक ही समय पर विरोधी पर फाउल करें तो उसे मल्टीपल फाउल कहते हैं। मल्टीपल थ्रोज, विरोधी के द्वारा फाउल किए जाने पर उसी समय जब खिलाड़ी को अनेक फ्री थ्रो दी जाती है तो उन्हें मल्टीपल थ्रोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट साठ किस खेल से संबंधित है, तभी तुरंत आपने देखा है बास्केटबॉल से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ब्रेक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो यह किया जाता है बास्केटबॉल में। फास्ट आपका गेम है तो फास्ट ब्रेक, अथवा यहाँ पे फास्ट ब्रेक अथवा तेज आक्रमण शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। आक्रमण की इस शैली में विरोधी टीम रक्षा पंक्ति को तेजी से भेजने का प्रयास किया जाता है। आक्रमण की संहिता ही इसका मुख्य आधार होता है। नेक्स्ट है, कार्यनीति शीघ्रगामी विश्राम यानी फास्ट ब्रेक किस खेल से संबंधित है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो का प्रयोग किस खेल में होता है, तो बास्केटबॉल में होता है। नेक्स्ट है, खेल के 3 सेकंड का नियम किसमें लागू होता है दोस्तों, तो बास्केटबॉल में होता है 3 सेकंड का नियम। इसमें क्या होता है कि 3 सेकंड का नियम बास्केटबॉल खेल में लागू होता है। इसके अनुसार जब गेंद किसी टीम के अधिकार में हो तो उसकी टीम का कोई भी खिलाड़ी विरोधी टीम के प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 सेकंड से अधिक नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, किस खेल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है, तो बास्केटबॉल में। क्या है 3 सेकंड का नियम, अभी जस्ट बताया गया है। एंड नेक्स्ट है 3 सेकंड का नियम, तो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ी में आम है, तो दोस्तों टखने की अग्रपार्श्विक अस्थिबंध चोट, टखने की अग्रपार्श्विक अस्थिबंध चोट जो है बास्केटबॉल में आम चोट है, यानी कि लगता रहता है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा यानी चाप जो कि सीधी रेखाओं को काटती है की दूरी बास्केट से कितनी दूरी पर होती है, तो जो एक चाप होता है 3 अंक यानी 3 पॉइंट लाइन के अंदर से बास्केट करने पर 2 अंक मिलता है और 3 पॉइंट लाइन के बाहर से बास्केट करने पर 3 अंक मिलता है, एंड जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां से बास्केट करने पर 1 अंक मिलता है। यहाँ पे 3 अंक रेखा जो चाप जो कि सीधी रेखाओं को काटती है, चाप खींचा जाता है, तो वह कितना दूरी पर होता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। वो होता है आपका 6.75 मीटर। कितना होता है कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका होता है 6.75 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ है बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र कितना होता है जो एक चौप खींचा जाता है, तो वह होता है कितना 6.75 मीटर। कितना होता है 6.75 मीटर। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में 3 अंकों की मैदानी गोलाकार, वही प्रश्न पूछ दिया, तो 6.75 मीटर होगा जो आपको नेक्स्ट प्रश्न में बताया गया है पहले प्रश्न में। नेक्स्ट है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है,
तो दोस्तों माइकल जॉर्डन जो है बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बहुत ही महान खिलाड़ी थे। 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जन्मे माइकल जॉर्डन एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए, यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार न माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचे, उसे अंजाम दे या उस पर विजय पाए। इस बात को कहा है किसने कहा इस बात को माइकल जॉर्डन ने, किसने कहा है माइकल जॉर्डन ने। तो दोस्तों ये था बास्केटबॉल से रिलेटेड 41 क्वेश्चंस, ये सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ विशेष उसके मेजरमेंट्स के बारे में बताया है और रूल्स के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों पार्ट को आप देखिएगा तो बास्केटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए एंड इसी तरह डेली बेसिस पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।